डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे का टॉपिक कूलॉम लॉ, कूलॉम के नियम को स्टडी करेंगे। ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के पहले आप पिछली क्लासों को भी ध्यान से देखें, जिससे इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में समझा था कि यदि हम दो आवेशों को लें, दो चार्जेस को लें और उन दो चार्जेस को एक दूसरे के पास पास रख दें, जैसे कोई एक चार्ज है ये, कोई दूसरा चार्ज ये है बी, और इन दोनों को हमने पास पास रख दिया। अब हम पाएंगे या तो ये एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे या फिर एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे। अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं, एक जैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव हैं, तो हम पाते हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, यानी इनमें प्रतिकर्षण होता है। इसके प्लेस पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इनको पास पास रखते हैं तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी दो चार्जेस के बीच में हमेशा एक फोर्स वर्क करता है, दो आवेशों के बीच हमेशा एक बल लगता है। तो वैज्ञानिक कूलॉम ने आवेशों के बीच लगने वाले इसी बल को समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर दो आवेश बनाए गए हैं। पहला ये कोई आवेश है जिसे हमने Q1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरा ये कोई आवेश है जिसे हमने Q2 से रिप्रेजेंट किया। इन दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर R से डिनोट कर रखा है। मान लीजिए इन दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वह फोर्स F है। अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तो ये जो फोर्स होगा इसका नेचर होगा रिपल्सन का, और अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट हैं तो फोर्स जो होगा वो होगा अट्रैक्शन। तो ये डिपेंड करेगा चार्ज पर, लेकिन हमने यहाँ पर इसको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं माना। तो कूलॉम ने ये बोला कि अगर दो आवेश हैं और उन दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, तो इनके बीच जो बल लगता है वह दो कारकों पर निर्भर करता है। एक निर्भर करता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा लगने वाले बल का मान भी उतना ही अधिक होगा। जैसे एक साइड ये दो आवेश हैं, एक साइड ये एक आवेश है, मान लीजिए दो धनावेश हैं, ये एक ऋणावेश है, तो ये दो धनावेश इस ऋणावेश को तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेंगे, यानी बल अधिक है। इसकी बजाय एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो जो बल होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा। यानी अगर आवेश का मान अधिक होता है तो लगने वाला बल भी अधिक हो जाता है, यदि आवेश का मान कम होता है तो लगने वाला बल भी कम हो जाता है। यानी चार्ज और फोर्स के बीच में यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन पाया गया। दूसरा ये बोला कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है यह फोर्स के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर दो चार्जेस हैं उनको हम पास पास रखते हैं तो फोर्स ज़्यादा लगता है, दूर दूर रखते हैं तो फोर्स अपेक्षाकृत कम लगता है। यानी इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी हम लिख सकते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, इस कॉन्स्टेंट को हमने ए से डिनोट कर दिया, एफ इक्वल्स टू हो जाता है ए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वह उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इस पद्धतियों में देखें, CGS सिस्टम में अगर इसको लिखते हैं, तो CGS सिस्टम में हम इसको दो तरह से समझते हैं। पहला समझते हैं वायु में एयर, और दूसरा समझते हैं किसी मीडियम में।
पहला अगर वायु में लिखते हैं तो वायु में ए की जो वैल्यू होती है उसको हम वन लेते हैं, तो यहाँ पर ए के प्लेस पर हम वन सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा F equals to Q1 Q2 upon R square। यहाँ पर डाइन लिखा हुआ है, डाइन बल्कि kgf यूनिट है, यानी यहाँ पे फॉर्मूला हो गया F equals to Q1 Q2 upon R square डाइन। अगर इसी को हम किसी माध्यम में लेते हैं, किसी मीडियम में लेते हैं, तो जो ए की वैल्यू होती है वो होती है 1/k। k यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको प्रभावित करता है। जैसे एक आवेशी है दूसरा आवेशी है, इनके बीच में कोई छड़ रख दी जाती या कोई पदार्थ रख दिया जाता तो जो बल होता वो एक प्रभावित हो जाता। अगर ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रखें तो यहाँ पर बनता है F=1/kq1q2/r2 अब यहाँ पर पेपर में बल कूलाम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो इसको हम बनाने के लिए F को 1 डाइन मान लेते हैं, R को 1 सेंटीमीटर मानते हैं, Q1 और Q2 इन दोनों को Q मान लेते हैं, इन सभी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो F के प्लेस पर आ जाता है 1, Q1 Q2 के प्लेस पर Q लिखते हैं तो Q into Q यानी Q स्क्वायर, R के प्लेस पर 1 लिखते हैं यानी 1 स्क्वायर जो कि 1 ही होगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 आएगा यानी Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, यानी जो आवेश है इसका मान कैसा हो गया 1 यानी यूनिट। तो पेपर में यूनिट चार्ज की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज यूनिट चार्ज, इकाई आवेश या एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं दो आवेश हैं, दोनों आवेश कैसे हैं समान हैं, एक जैसे हैं, तो अगर ये दो आवेश होते दोनों समान होते, ये भी प्लस क्यू होता ये भी प्लस क्यू होता या ये भी माइनस क्यू होता ये भी माइनस क्यू होता, दो समान आवेशों को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है यदि वो एक डाइन का फोर्स लग रहा होता तो जो चार्ज होता वो कैसा हो जाता यूनिट। अगर इसी को हम एसआई सिस्टम में लेते हैं तो एयर में अगर देखें तो वैल्यू होती है A=1/4πε0, यहाँ पर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9×10⁻¹। ये बोर्ड में अलग से ओटी में पूछा जाता है 1/4πε0 की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है, तो 9×10⁻9। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं ए के प्लेस पर रखते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है F=1/4πε0q1q2/r2 न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन फोर्स का ऐसा ही यूनिट है। अगर इसी को किसी मीडियम में लेते हैं तो एक की वैल्यू रहती 1/4πε0k, k माध्यम का परावैद्युतांक होता, इस वैल्यू को भी इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है F=1/4πε0k q1q2/r2 डाइन। अगर एसआई सिस्टम में हमें यूनिट चार्ज की डेफिनेशन बनाना तो यहाँ पर हम फोर्स को लेते हैं 9×10⁻¹ न्यूटन, डिस्टेंस को लेते हैं 1 मीटर, Q1 और Q2 इन दोनों को Q ले लेते हैं, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फाइनली हमें मिलता है Q=±1। तो यहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज कैसे हैं सिमिलर हैं, समान आवेश हैं, इन दोनों को एक दूसरे से हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिया, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। अब यदि इनके बीच में 9×10⁻¹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो जो आवेश होगा उसे हम क्या कहेंगे, एकांक आवेश कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कूलाम का नियम समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे।